एलआईसी में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, एलआईसी विकास अधिकारी, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम, किल्ला इलाका बालाकोट रोड, दमोह। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरबना गांव में मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है। पानी की बजाय एक व्यक्ति के द्वारा नाली की निकासी बंद कर उस पर मकान बनाकर कब्जा करना बताया जा रहा है। ग्रामवासियों ने तहसीलदार एवं एसडीएम के यहां ज्ञापन सौंपा और इसके पश्चात एसडीएम साहब के द्वारा लिखित में आदेश भी किया गया कि इस नाली को खोला जाए एवं इस पानी के निकास की व्यवस्था बनाई जाए। परंतु गांव वालों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण आदेश की अनदेखी करते हुए पुलिस प्रशासन व तहसीलदार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज यह स्थिति बनी हुई है कि तकरीबन 200 मकान इस गंदगी की चपेट में हैं और इनके मकानों के अंदर पानी भरता है। जब बरसात होती है तो लोगों को अपने घरों से पानी बाहर निकालने के लिए विद्युत मोटर पंप का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक राजनीतिक दबाव के चलते यह अतिक्रमण नहीं हटाया जाता और लोगों से इस गंदे पानी से छुटकारा नहीं मिलता। जहाँ पूरे प्रदेश में वर्तमान समय में डेंगू का डर फैला हुआ है, वहीं लवालब भरे तालाब जैसे हालात इस ग्राम में हैं और ग्रामवासियों को कई तरह की बीमारियों का भी खतरा है। ऐसे में जहां एसडीएम का आदेश होने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, तो इस पर तहसीलदार व पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ग्रामवासियों का इस संबंध में क्या कहना है, सुनते हैं। रहा था यहाँ जो नाली निकासी सफाई का काम सर पंचायत द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें भी सामने वाली पार्टी ने 100 नंबर पर फोन लगाकर उस काम को भी बंद करवा दिया। और जबकि पुलिस और प्रशासन को तो निर्देश था कि ये मकान हटवाएं और नाली जो पानी की निकासी है उसको पहले की तरफ सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन प्रशासन कोई भी मतलब इसमें उदासीन बना हुआ है। पता शायद मैं पार्वती लोधी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केरबना केंद्र के मांग के स्वामी थाने में से। ये जो पानी का भराव है यहाँ पे, तो इस कारण से ये नाली, मतलब यहाँ से नाली थी सर, तो नाली पहले पंचायत के द्वारा करवाई गई थी, तो मतलब यहाँ पे नाली एक मकान बन गया है, इस वजह से पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, आंगनबाड़ी भी नहीं हम खोल पा रहे हैं, खोलते हैं तो देखते हैं कितना पानी, कितनी गंदगी है कि बच्चे जैसे हमें वजन वजन करना है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी का भी डर है। तो ये पानी यहाँ से नाली बन थी जो उसमें से निकलता था, लेकिन अब मकान बना लिया उस पर किसी ने, प्रशासन ने कुछ उस पर प्रशासन ने बोला है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उसमें। आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया? अब हमने तो मतलब अभी तक सर कहा था, कई लोगों से भी कहा था, वो मतलब सर लोगों आए थे, मतलब यहाँ पर पटवारी जी भी आए थे, उन लोगों से भी बोला था कि आंगनबाड़ी के यहाँ पानी है। अच्छा, और भाई आप लोगों ने कुछ पता है क्या आवेदन वगैरह इसका कुछ लगाया? हाँ, आवेदन तहसील से लेके कलेक्टर के यहाँ तक आवेदन दिए, 181 पे भी शिकायतें थी, लेकिन वकील से एसडीएम के यहाँ लगा हुआ था जिसका फैसला भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि 2 दिन की मोहलत दी थी सामने वाले को, 7 और 8 तारीख की, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। रहा था यहाँ जो नाली निकासी सफाई का काम सर पंचायत द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें भी सामने वाली पार्टी ने 100 नंबर पर फोन लगाकर उस काम को भी बंद करवा दिया। और जबकि पुलिस और प्रशासन को तो निर्देश था कि ये मकान हटवाएं और नाली जो पानी की निकासी है उसको पहले की तरफ सुचारू रूप से चलती रहे, लेकिन प्रशासन कोई भी मतलब इसमें उदासीन बना हुआ है।